गेहूं में जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियां हैं वह रतुआ हैं, और उसके बाद पड़ झुलसा आती हैं और करनाल बंट आती है। रतुआ जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, वह तीन प्रकार की रतुआ होती हैं जो गेहूं में उत्पन्न होती हैं, पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ। अभी फरवरी के प्रथम सप्ताह में पीले रतुआ आने की संभावना रहती है, और कुछ क्षेत्रों से, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से पीला रतुआ की को रिपोर्ट भी किया गया है। पीला रतुआ धारियों में उत्पन्न होता है जो पीले इरिडो बिजाड़ के कारण होता है। भूरा रतुआ पत्तियों पर उत्पन्न होता है जिनके भूरे इरिडो बिजाड़ होते हैं, और काला रतुआ तने और उग्र अवस्था में पत्तियों पर उत्पन्न होता है जिनके काले इरिडो बिजाड़ होते हैं। करनाल बंट की अगर हम बात करेंगे तो करनाल बंट खेत में जब फसल लगी होती है तो पुष्प बनने की अवस्था में उसका संक्रमण होना प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी पहचान दाना बनते समय या दाना बनने के बाद ही की जा सकती है। पड़ झुलसा भी काफी महत्वपूर्ण बीमारी है जो गेहूं में निचली पत्तियों पर भूरे और पीले रंग के धब्बे या चकत्ते के रूप में उत्पन्न होती है, और उग्र अवस्था में पूरी पत्तियों पर फैल जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचती है। अब हम इनके प्रबंधन की बात करेंगे। एक सबसे अच्छी जो दवा है जो फफूंदी नाशक है इन तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, वो प्रोपिकनाजोल है, जिसका 0.1% का घोल का छिड़काव किसान भाइयों को करना चाहिए। अगर रोग की उग्र अवस्था है, ज़्यादा फैल रहा है, तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद करें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप गेहूं की फसल लगा चुके हैं तो बीज सीड ट्रीटमेंट जो होता है वो कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अगर आप अपने बीज को बोने से पूर्व उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप करनाल बंट से भी आप उसको बचा सकते हैं और पड़ झुलसा से भी बचा सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए सबसे अच्छी दवा जो है वो बीटावेक्स है, जिसका 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को आप अपने उपचारित कर सकते हैं। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग भी इन बीमारियों को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। इन उर्वरकों में सबसे ज़्यादा जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, वो नत्रजन उर्वरक है, नाइट्रोजन है। जो भी वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा गेहूं में नाइट्रोजन प्रयोग करने की है उसी का प्रयोग करें, क्योंकि यह बीमारियों को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है।